स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। तो हमारा टॉपिक चल रहा है पीस वाइज फंक्शंस। प्ले विद ग्राफ में हम पीस वाइज फंक्शंस कर रहे हैं, जिसमें से हम मॉड्यूलस फंक्शन, सिग्नम फंक्शन हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, उनका ग्राफ प्लॉट कर चुके हैं, उनकी डोमेन रेंज हमें पता चल गई है। तो नेक्स्ट पीस वाइज फंक्शन है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस फंक्शन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट अपना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो क्या होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन? देखिए, इसका सिंबल पहले तो ये होता है बिग ब्रैकेट की जैसे। इस बिग ब्रैकेट में कोई भी वैल्यू रखेंगे हम, तो ये इसका नोटेशन है, राइट। अब देखो, अगर मेरी वैल्यू है 0.1 तो ये क्या लेगा, अगर मेरी वैल्यू है 0.25 तो ये क्या लेगा, अगर मेरी वैल्यू 0.9 तो ये क्या लेगा। जैसा कि इसका नाम है फ्लोर फंक्शन, इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं। फ्लोर मतलब फ्लोर कहाँ होता है, नीचे होता है ना। तो जो छोटी वैल्यू है, जो डेसिमल से पहले की वैल्यू है, वो ये कंसीडर करता है। जैसे ये इसकी वैल्यू भी ये ज़ीरो ही लेगा, इसकी वैल्यू भी ये ज़ीरो ही लेगा, इसकी वैल्यू भी ये ज़ीरो ही लेगा, राइट। कहने का मतलब ये है कि कोई भी वैल्यू जो 0 और 1 के बीच में है, अगर एक्स अगर 0 और 1 के बीच में है, तो ये हमेशा क्या लेगा, 0 लेगा, ठीक है। तो देखो डेफिनेशन कैसे होती है इसकी, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल्स टू दिस 0 व्हेन एक्स इज बिटवीन 0 एंड 1, 1 लेगा व्हेन एक्स इज बिटवीन 1 एंड 2, फिर ये 2 लेगा व्हेन एक्स इज बिटवीन 2 एंड 3, ठीक है। तो ये तो पॉजिटिव में इस तरीके से लेते जाएगा। अगर नेगेटिव में देखूँ मैं, जब एक्स है -1 और 0 के बीच में, तो ये क्या लेगा, -1 लेगा। जब एक्स है -2 और -1 के बीच में, तो ये -2 देगा, ठीक है। तो कुछ आइडिया हुआ कैसा ग्राफ होगा इसका, जंप टाइप का ग्राफ होगा। इसको स्टेप फंक्शन भी कहते हैं, क्योंकि स्टेप्स बनेंगी, जैसे सीढ़ियाँ होती है ना, वैसी स्टेप्स बनने वाली है। तो देखो कैसे ग्राफ होता है इसका, बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग सा फंक्शन है ये, इम्पॉर्टेंट है बहुत। तो अच्छे से आप समझिए, देखो ये है एक्स एक्सिस, एक्स डैश, वाई वाई डैश और ये। तो पॉइंट बना लेते हैं 0, 1, 2, 3, -1, -2, -3, यहाँ पे 1 है, 2, 3, 4, -1, -2, और नीचे तक -3, -4। अब देखो 0 से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, 0 पे तो 0 है, इक्वल लगा है यहाँ पे, तो यहाँ पे रहेगा 0 से 1 तक चलता रहा। दूसरे कलर से कर लेते हैं, रेड से करते हैं, थोड़ा लाइट है पर दिख जाएगा। चलता रहा, लेकिन जैसे ही 1 पे पहुंचने वाला था, 1 ने इसको पुश कर दिया, और ये कहाँ पहुंच गया, यहाँ पे। 1 जैसे ही इक्वल है, तो ये यहाँ पहुंच गया, यहाँ पे आ गया गैप, ठीक। फिर 1 से 2 तक ये चलता रहा, जैसे ही ये 2 पे पहुंचने वाला था, तूने इसको फेंक दिया उठा के यहाँ पे 2 पे, फिर से ऐसे ही, फिर 2 पे आया, फिर 3 पे, इस तरीके से स्टेप्स बन गए। अब नेगेटिव में देखो, -1 से 0,
माइनस वन से जीरो पे, ये माइनस वन तक था, माइनस वन ने इसको यहाँ पे भेज दिया, माइनस टू पे माइनस टू है और यहाँ तक, फिर यहाँ पे गैप, ठीक है, फिर यहाँ से यहाँ पे गैप, तो ये स्टेप्स बन रही है। अगर मैं यहाँ पे ऐसे डॉट 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 लगा दूँ, डॉट 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 लगा दूँ, डॉट 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 ज्वाइन नहीं है, ऐसे डॉट डॉट है, रफ लाइन्स हैं, ये शेडेड लाइन्स हैं, ब्रेक लाइन्स हैं। तो देखो स्टेप फंक्शन भी दिख रहा है, इसको सील फ्लोर फंक्शन भी इसलिए बोल रहे हैं कि जो स्टेप से अगर 0.9 भी है तो ये इसको जीरो लेगा, इसलिए इसको फ्लोर फंक्शन बोल रहे हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। अच्छा, इसका डोमेन और रेंज क्या होगी, डोमेन बताओ जरा, डोमेन में तो पूरा ही आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, डोमेन में तो इसका पूरा आ रहा है। रेंज क्या है इसकी, रेंज सारे इंटीजर्स बन जाएंगे, 0, 1, 2, -3, तो पूरे इंटीजर्स जो हैं वो सब इसके रेंज में आ जाएंगे। इसको स्टैंडर्ड सिंबल में जेड से लिखते हैं इंटीजर्स को, सेट ऑफ इंटीजर्स, राइट। तो बच्चों अच्छे से आप इसको समझिए, आप खुद बैठ के अपने आप इसके पॉइंट्स निकालिए और प्लॉट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। मुझे लगता है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब हमारे बच्चे हैं लीस्ट इंटीजर फंक्शन एंड फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक यू वेरी मच।